विनशॉट कैफे और मेरे साथ है मेरा बहन तुसोसी। खाने से पहले ही बहुत अच्छा है बोल रही है। गंदी बात करते हो मेरे सिस्टर के ऊपर। अच्छा खासा क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे की बोल चलो तो गए हम कुछ नहीं बोल। तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीतम ग्राउंड बीच में एक नया ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरा बहन आ चुका है कोलकाता शहर में, जो पहले बाहर रहती थी, बाहर मतलब चेन्नई में रहती थी, अभी यहाँ पे आई है, एक हफ्ता हुआ है, तो उसे पिकअप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वो नहीं है तो ज़्यादा कुछ पहचान ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत घूमेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे और आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलिए जाते हैं, उसको पिकअप करते हैं सामने से। सामने ही एक फ्लैट में रहती है, कहाँ पे है शायद यहीं पर है। हाँ यहाँ पर खड़ा हुआ है। दरुण कैसा चल रहा है बाकी सब? ठीक था। तो एक हफ्ता हुआ है ना यहाँ पे कोलकाता के आए हुए, तो हाँ इधर कर ले। तो क्या खाएगी बोल? तू जो खिलाएगा। तो भाई लोग चलिए जाते हैं। हाँ बोलो, कहाँ जा रहे हो? तुम जहाँ बोलोगी पहले खाना खाते हैं या कुछ कहीं पर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो भाई लोग चलिए चलते हैं, मेरा एक जान पहचान का दुकान है, शायद वो खुला रहेगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, अभी जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग जा रहे हैं एक कैफे टाइप का जगह है, नया है, सुना है, देखते हैं कितना दूर है। मैप में तो दिखा रहा है 1 किलोमीटर के अंदर ही है, तो जाएंगे वहाँ का पिज़्ज़ा या कुछ कॉफ़ी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं सुना था एक दोस्त के मुंह में। तो जाते जाते रास्ते में इतना ट्रैफिक, वैसे अभी टाइम हो रहा है लगभग 4 बज चुका है और देखो अभी हुडी पहना हुआ हूँ और गर्मी लग रही है, फेब्रुआरी का महीना है और गर्मी लग रही है, ऐसा कैसा वेदर दिया दिया रे बाबा, तो गर्मी लग रही है। एनीवेज चलते हैं। तो हमारा ड्यूक भूखी है, हम भी भूखे और हमारा ड्यूक भी भूखी, तो पहले खुद कुछ खाएंगे और इसको उसके बाद खिलाएंगे, हम कुछ और खाते हैं और ये कुछ और, लेकिन हमारा बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अभी आ चुका हूँ ये दी विनशॉट कैफे योर सेल्फी सिप नाम का, और मेरे साथ है मेरा बहन तुसोसी। तो कितना अच्छा एक स्माइल दे रही है आप लोगों की तरफ। तो उसके साथ ग्राउंड बीच में मेरा ये पहला वीडियो है, शायद बाद में और वीडियो में भी आ सकती है, पता नहीं, देखते हैं। पहली बार ये कैफे पे आया हूँ और हमारा जो छोटी बहू है, मतलब इसका नाम भी नहीं अभी सोचा, तो ग्राउंड बीच के छोटी बहू को यहाँ पे पार्क किया हूँ और अभी वक्त हो रहा है लगभग 5:45 बज रहे हैं, तो जल्द से जल्द कैफे में जाते हैं और थोड़ी बहुत खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बाकी तो खाते खाते बोलते हैं, ठीक है, चलिए। विंगशॉट कैफे के अंदर हूँ और अभी मैं और तुसोसी दो कॉफ़ी शेक, मतलब मेरा है ब्राउनी शेक और उसका है किटकैट शेक।
कैसा लग रहा है बोलो? बहुत अच्छा है। खाने से पहले ही बहुत अच्छा है बोल रही है। वो एक बार ट्राई कर चुकी है। पीछे एक म्यूजिक बज रहा है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो पीछे का एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा है, तो जल्द से जल्द कॉफी खत्म करते हैं, उसके बाद बाहर जाके आपको मोटो ब्लॉग में या ऐसे ही शॉर्ट और एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय। तो कॉफी टॉपिक पीने के बाद अभी निकल चुके हैं घर की तरफ, या कुछ अलग एक जगह है जहाँ पे जाऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। ठंडी उतना नहीं है कलकत्ते में, वेदर नॉर्मल है, मतलब टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है। हुडी पहना हुआ हूँ लेकिन उतना ठंडी नहीं लग रही है, शायद हाफ टी शर्ट में भी काम चल जाता। तब उत्तू शशी को घर ड्रॉप करना है, उसके पहले एक थोड़ा सा काम भी है। तो बागाजोदीन के नज़दीक में ही हूँ, एक दो काम कर लेता हूँ उसके बाद घर लौटता हूँ, और लौटने के बाद आपके साथ बात करता हूँ। वैसे मेरे लेफ्ट साइड में आयरिश हॉस्पिटल और बाइक में हो चुका है लो फ्यूल, दिखा रहा है, मतलब ड्यूक भी अभी भूखी है। मैं थोड़ा सा खाना खा चुका हूँ लेकिन ड्यूक को अभी खाना नहीं दिया गया। ये बड़े बड़े व्हीकल स्टैंड कहीं पर होता है और ये रुक कहीं पर जाता है, तो कोई चलाने का कोई सेंस नहीं है इन लोगों के पास, फिर भी बड़े बड़े व्हीकल चला रहे हैं। एनीवेज सिग्नल ग्रीन है, निकल जाते हैं। सामने से लेफ्ट ले लूँगा अभी। वैसे यहाँ पे है विजय फर्नीचर, जहाँ से मैं मेरा घर की लिए एक बेड लिया था। करते करते सामने सरस्वती पूजा आ रहा है, तो हम लोग बंगाली लोगों के लिए सरस्वती पूजा एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। अरे क्या कर रहे हो भाई? ऐसे कोई गाड़ी चलाता है, खुद भी मरोगे मुझको भी मरवाओगे। मारेंगे सही है, लेकिन आपको तो हम फटाया भी नहीं है, आप उतर गया फटा कर मारने के लिए। तू मेरे बहन को कुछ बोला है? क्या बोले? कुछ नहीं बोले। आपने बोला? देखिए देखिए हम बोले हैं, हम सुने थे हा? हम सुने थे हाँ। आप रास्ता बंद करवा के छोड़ेंगे क्या? क्या करना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हैं बोलिए। अरे धक्का लग जाता, धक्का लग जाता। थोड़ी के लिए धक्का लग जाता तो उसके ऊपर। तो आप अच्छा खासा क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे की बोल चलो तो गे? हम कुछ नहीं बोल रहे। क्या क्या बोल रहे थे तुम? की बोल चलो तो गे? हम कुछ नहीं बोल रहे। क्या क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं बोले। तो दारू पी के आ रहे हैं तुम? दारू पीता है, हां दारू पीता है। हाथ कैसे उठाए तुम? गरीब के बेटा रोड पर रहेगा तो कहेगा दारू। तुम हाथ कैसे उठाए? बड़का के रहेगा रोड पर तो कहेगा उठा उठा दारू पिए हुए। तुम रिक्शा चलाना नहीं जानते? नहीं जानते। एक गरीब रिक्शा होके तुम ऐसे चलाते हो? नहीं जानते। उसके ऊपर गंदी बात करते हो मेरे सिस्टर के ऊपर? मैंने हम इनको गाली दिया ना। तुम्हारा बेटी के ऊपर का है ये? अरे तो हम गाली देगा। हाँ तुमने गाली दे के गाली दिए थे? अरे ऐसे रास्ते पे गाड़ी चलाता है तुम? हम गाली लिए, हमको बेटी तो उम्र है। आप घर में झूठ बोलते हैं? नशा करके गाड़ी चलाते हो आप? मेरा मेडिकल करवाइए, अगर नशा होगा तो आप जो कहिएगा वो करिए, समझे के लिए नशा करके। वो तो बाद में ही पता चलेगा, मेडिकल करवाइए। आपके नीचे दोस्त टिकट हॉस्पिटल में है। सुकार हम गलती करवे नहीं करेगा तो सुकार काहे करेगा? एक गरीब रिक्शा वाले हो, ठीक से गाड़ी चलाओ। हमला बुरबक बना रहे हैं ना बुरा आदमी से। अच्छा अगर नहीं भी पिए हुए हो ठीक तरह से गाड़ी चलाओ, ठीक है। तुम एक रिक्शा हो के तुम गाड़ी को कैसे मार सकते हो? लड़की का गाड़ी साइड करके रखो, गाड़ी लिए हैं ये तो गलत है। बच्चा है नहीं सुना है गाड़ी लिया, लेकिन गाड़ी लिया था ना? आपने कुछ बोला था ना? बोले लेकिन आप बात हमारा समझिए नहीं समझे हम हिंदी में, आप हिंदी समझते हैं? तुम्हारा दिमाग शायद ठीक नहीं है, ठीक है जाओ घर जाओ। हम
मैं भी तुम्हारा बेटा क्या उम्र का हो, तुम फट से हाथ उठा दिया, तुम फट से हाथ उठा दिया, तुमने ठीक किया, हम आप पर हाथ उठाया, सबने देखा, आप तुमने हाथ कैसे उठाया, सबने देखा तुमने हाथ उठाया, हाथ भी चला, किसने देखा, हाथ चलाया है, किसने देखा, तुमने हाथ दिया था, हो गया तो बात खत्म करो, दिमाग का हालत ठीक नहीं है शायद, गलती को माफ करो, बढ़ाते हैं सर, उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक तरह से नहीं चला सकता, बाइक जाते यही अटकाचे, रिक्शा है स्क्रैच पड़े दाग पड़े गेले कि 3.5 lakh बाइक धक्का लगाचे आबार कथा बोलचे तर्क करचे गाय हाथ दिच्चे गलती हो गया क्या आप पैर पकड़ ले घर में बीवी बच्चा है ना ठीक तरह से चलाते हुए नहीं उसके ऊपर दादागिरी करता है। तो अभी बहन के घर के बहुत पास ही हूँ तो उसे पहले ड्रॉप कर देते हैं, तो उसका घर बहुत पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से उसको पिकअप किया था, वहीं पर उसको उतार देंगे। ऐसे वो मेरा डायरेक्ट मतलब मेरा मम्मी का जो भाई है उसका लड़की है ये। तो कैसा लगा आज का राइड बोलो? बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद कलकत्ता में घूमने, और कॉफी भी एकदम बढ़िया था। हाँ, शेक बॉक्स। तो चेन्नई का कॉफी अच्छा है या यहाँ का? अलग अलग है, अलग अलग है, यहाँ पर मैं रहती हूँ और यहाँ पर। अच्छा, हमारे ऑडियंस लोगों को कुछ बोलना चाहोगी? मैं जहाँ पर आज गई थी ना वहाँ पर जा सकते हो आप लोग, और वहाँ पर बहुत अच्छा कॉफी मिलता है। अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन बीच में एक हादसा हो गया, वो एक स्टूपिड रिक्शा ड्राइवर के साथ थोड़ा बवाल हो गया, लेकिन घर में ये सब बताना नहीं, मम्मी पापा बेकार में टेंशन ले लेंगे। तो जा घर में जा, बाद में बात करते हैं, बाय। तो चलिए गाइस, अभी मैं एक और काम के लिए जा रहा हूँ। वैसे वो रिक्शा ड्राइवर के सीन होने के बाद मूड पूरा बिगड़ा हुआ है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि डायरेक्ट घर चला जाऊं, लेकिन एक काम है, एक दोस्त के साथ बात करना है एक बिजनेस के रिलेटेड, तो वो बात करना है, उसके बाद घर जाएंगे। अभी वक्त हो रहा है लगभग 5:30 बज रहे हैं, तो मिलते हैं कुछ देर बाद आप लोगों के साथ। A few moments later. तो भाई लोग, सीन कुछ ऐसा है कि मैं आज निकल रहा था मेरे बहन को लेकर एक कॉफ़ी शॉप जाने के लिए, कॉफ़ी शॉप या कुछ भी जगह हो जहाँ पे जाके बैठ सके, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। एक हफ्ता ही हुआ है चेन्नई से आए हुए, तो सोच रहा था कुछ नया जगह एक्सप्लोर करते हैं और उसको घुमाना भी हो जाएगा और उसके साथ एक वीडियो भी बना लेंगे। तो उसके लिए निकला था और उसके पिकअप करके कॉफ़ी शॉप में गया था। कॉफ़ी शॉप का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे दे दूंगा, पहली बार गया हूँ, नाम मुझे ठीक तरह से याद नहीं। तो गया था कॉफ़ी शॉप की, खाने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जब घर लौट रहा था, वहाँ से पाटोली की तरफ था वो कॉफ़ी शॉप, घर के नज़दीक में ही था, 2-3 kilometers के अंदर। तो वहाँ पे खाने के बाद थोड़ा घूमने के बाद जब वापस लौट रहा था, बाबा जतिन हॉस्पिटल के सामने सीधा जा रहा था, और आपने देखा ही होगा सब कुछ, तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, एक रिक्शा वाला अचानक से मेरे रास्ते पे आ गया और मुझे ठोक ही देने वाला था अचानक से। तो मैं उतर के उसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, ऐसे कैसे चला रहे हो, अंधे हो क्या, ऐसे कैसे, 2-3 बात बोलने के बाद ही वो अचानक से भड़क गया मेरे ऊपर। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, शायद घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, बेटा या बेटी
बीमार है या कुछ इनकम वगैरह नहीं हुआ इसलिए ब्रेन काम नहीं कर रहा है या कुछ और, शायद नशा भी किया हुआ था लेकिन वो मान नहीं रहा था कि वो नशा किया हुआ है, लेकिन देखने से पता चल रहा था कि शायद वो नशा किया हुआ है इसीलिए ऐसा किया। वो अचानक से, कोई रीज़न नहीं था, वो मेरे ऊपर हाथ उठाया, उसने अपने वीडियो में देखा ही होगा, और उसके ऊपर गाली भी दिया होगा। मैं ठीक तरह से नहीं सुन पाया लेकिन वो सुना, वो मुझे बोल रही थी। एनीवेज, गाली दिया था या नहीं दिया था वो टॉपिक नहीं है। जो सिचुएशन में मैं गया था, वो सिचुएशन रास्ते में हर बाइकर के साथ हो सकता है। अगर आप बाइक लेके निकलते हो या पैदल भी निकल सकते हो तो किसी भी टाइम आपके साथ ये दुर्घटना कोई भी जगह पे हो सकता है। तो केयरफुली रास्ते पे, जब रास्ते पे जाते हो तो केयरफुली ट्रैवल करो। बाइक लेके हो या बस पे हो, गाड़ी पे हो, किसी भी में हो, सावधानी रख के ट्रैवल करो। और वो रिक्शा वाला मेरे से बहुत बड़ा था, मेरे पापा के उम्र का था, बुजुर्ग था, उसके ऊपर गरीब था। एक रिक्शा वाला के ऊपर मैं, अगर वो हाथ उठाया था उसके बाद अगर मैं उसे मारता तो वो मर जाता। 60 के अबाउट एज है उसका, तो मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। अगर वो कोई कम उम्र का लड़का होता तो बात कुछ अलग होता, शायद मैं उसे मारता। वो ऐसा बिहेव कर रहा था, अगर वो कम उम्र का कोई बंदा होता तो मैं उसे मार देता, मतलब अच्छा खासा मारता। ऐसा वो बिहेव, जैसा वो रिक्शा वाला बिहेव कर रहा था उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन वो बुजुर्ग था, एक गरीब आदमी था, इसीलिए मैं उसका उम्र का लिहाज किया और उसे छोड़ दिया। आप क्या सोच रहे हो? बहुत सारा पब्लिक देख रहे थे और दो तीन बंदे मुझे बोल रहे थे कि छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। उस रिक्शा वाला का ही दोष है, वो लोग बोल ही रहे थे, फिर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, निकल आया हूँ वहाँ से। क्योंकि मेरे साथ सिस्टर भी थी तो उसको लेकर मैं झमेला में पड़ना नहीं चाहता था, तो वहाँ से निकल आया। एनीवेज, आज का वीडियो यही तक था, शॉर्ट और सिंपल बनाने की कोशिश किया था लेकिन ये कजरा बवाल ये सब हो गया। आपका राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जितना दूर तक हो सके शेयर करो। और ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है तो केयरफुल रहो, अवेयर रहो। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, और अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ। दिस इज प्रीतम फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड, बाय बाय।